me to say a little bit about the China thing in English? Hello? Yeah, yes. You would like yes, me to say a little bit about the China thing in English? Yeah, please. Yeah. Yes, please. I think the China, what we would like to see is some more transparency on what is going on. It becomes very difficult for us to have a position without understanding the facts. And I think the government should make clear to the people of India what exactly is happening on the border. We are hearing different stories. I don't want to go into conjecture, but it is important that the government of India makes it clear what is happening on the border so that people can understand and people can have a proper position. Thank you, sir. May I now request Archana from ANI to come in? Archana, please ask your question. Hello, Archana. Hello, sir. How are you? Sir, my question is on time. So my question is, lockdown का main लक्ष्य था संक्रमण को रोकना, तो क्या आपकी राय में चार बार लॉकडाउन अभी तक हो चुका है तो संक्रमण रुका है, क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ है सरकार को? ये तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कह दिया था कि लॉकडाउन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुआ. प्रधानमंत्री ने कहा था 21 दिन में लॉकडाउन कोरोना को हरा देगा. कोरोना तो बढ़ता जा रहा है, तो ठीक है, जो पहली स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. मगर अब बताइए अगली स्ट्रैटेजी क्या है. अब बताइए आगे आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की सरकार क्या सोच रही है, लॉकडाउन को किस प्रकार से हटाएगी, जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी किस प्रकार से मदद करेगी, जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनकी कैसे रक्षा होगी, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए क्या किया जाएगा. तो ये सब चीजें अब देश को बताना है. शुक्रिया अर्चना जी. मे आई नाउ रिक्वेस्ट आज तक मौसमी जी इज हियर फ्रॉम आज तक. मौसमी जी, आई डोंट, सॉरी वन मोर थिंग, आई डोंट थिंक, अगर आपने प्रधानमंत्री से भी पूछा कि भाई आपने 21 दिन का बोला था, 60 दिन हो गए, तो आई थिंक प्रधानमंत्री हिमसेल्फ विल एक्सेप्ट. वो ही एक्सेप्ट करेंगे कि जो उनका पहला प्लान था वो फेल हुआ, वो भी एक्सेप्ट करेंगे. मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं कि फेल हो गया, एक्सेप्ट करते हैं उस बात को, मगर अब आगे बताइए क्या करना है. अब प्रधानमंत्री ने एक लो की अपनी पोजीशन अडॉप्ट कर ली है. पहले बार उन्होंने पहले दो तीन बार उन्होंने फ्रंट फुट पे खेला, अब प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं. मगर देश को प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना है, प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, तो प्रधानमंत्री को अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे फिर से आना पड़ेगा. वो बैक फुट पे चले गए हैं, मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं कह रहा हूं उनको कि वो फ्रंट फुट पे फिर से आए. थैंक यू सर. मे आई नाउ रिक्वेस्ट आज तक मौसमी सिंह. एंड सर, बिफोर आई टेक दैट क्वेश्चन, मौसमी जी सॉरी, आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट टू द ग्रुप एज ऑल्सो टू राहुल जी. सिद्धार्थ फ्रॉम ANI इज हियर. In his course of duty, he was tested positive for COVID, but hats off to him that he continues to be on duty despite that. Kudos to him. I hope he's not infecting other people. No, sir, he's at home, but he's on duty and continues to work. Mausami ji, please go ahead. राहुल, हम आपसे पूछना चाह रहे थे जो सरकार की पूरे इस मसले को लेके हैंडलिंग रही है, How would you rate it if it's on a scale of 10? क्या आप कितना मार्क्स देंगे, और क्या एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ी बड़ा फेलियर या नाकामयाबी क्या रही है? I'm not a school professor that I'm going to rate the Prime Minister's performance on a scale of 1 to 10. Sorry, that would be inappropriate for me to do. मैं ये कह दूंगा कि कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोरोना की लड़ाई शुरू हुई है, और हमें आगे क्लियरली अपने एक्शंस समझाने हैं. सरकार को क्लियरली एक्शंस बताने पड़ेंगे. दो तीन चीजें हैं, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, स्मॉल मीडियम बिजनेस, माइग्रेंट्स, जो गरीब जनता है उनको कैसे, उनकी मदद कैसे होगी, और जो ओपनिंग अप हो रही है इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा कि हमारे जो वल्नरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं,
डायबिटिक्स हैं, लंग पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार से की जाएगी नेशनल लेवल पे, ये सवाल है। मगर मेरा रैंकिंग देना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। राहुल क्या कोई कामयाबी आप मौसमी जी, आई सो आई एम सॉरी आई विल हैव टू कट यू इन टुडे। नहीं सॉरी, लेटर आस्क कोई कामयाबी रणदीप, वी कैन गो ऑन। ओके यस राहुल, मैं कह रही थी कि क्या जी, मैं ये कह रही थी कि क्या कोई कामयाबी आपको लगता है इस पूरे ढाई तीन महीने में कोई कामयाबी रही है कुछ हैंडलिंग में या काबिले तारीफ रहा हो सरकार की तरफ से? वो जवाब नहीं दिया था मैंने। मैं आपसे ना मैं क्रिटिसाइज करूंगा ना मैं पास्ट की बोलना चाहता हूं, जो हो गया हो गया, मैं आज की बात कर रहा हूं। मुझे इंटरेस्ट आज की है और कल की है, कल क्या होने वाला है। और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है कि जो कोरोना वायरस है वो बढ़ता जा रहा है, स्टेट लेवल पे हम लड़ रहे हैं, मगर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट सरकार दे नहीं रही है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से कि सिर्फ कांग्रेस के स्टेट्स को नहीं, बीजेपी के स्टेट्स को, कांग्रेस के स्टेट्स को, सबको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें। थैंक यू सर। हिंदू से संदीप फूकन जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। Yeah. So my question is that, you know, it's about transportation. You've seen that in a graded manner, the flights have restarted, domestic flights have restarted, but we are still quite some time away, perhaps, from opening up public transportations, regular train services. What, according to you, would be a safe mobility plan? I mean, you know, if, see, you have to understand my job. I am not an expert on safe mobility plan. That is, there are experts who will tell you this is how India should open up. For me to comment on whether we should open airlines, how we should open airlines, I'm not the expert. I don't pretend to be the expert. But what I do understand is that there are a couple of things at a high level that need to be done. When you're opening up, you need to open up with inputs from the state governments. You need to open up with inputs from experts. You need to open up in a systematic way, not in an ad hoc way. I clearly can see that our economy requires restarting, which means that it needs a money injection, cash injection immediately. So that needs to be done. And I can clearly see that we need a strategy to make sure that in a non-lockdown situation, the disease does not run amok. I am worried, let me state it clearly, I am worried that in a non-lockdown situation, in a haphazard opening up, we will get a second wave of corona that will be extremely devastating. Thank you, sir. We have last 5 minutes of this press conference. Randeep ji, maybe I'm going to ask Sanjay Trivedi to come in, please. Randeep ji, maybe who? जी मैं नोट कर रहा हूँ, आप कृपया चैट में लिख दीजिए, मैं वहां से सवाल पिकअप कर रहा हूँ। संजय त्रिवेदी फ्रॉम न्यूज 24। मंजरी जी, आई विल कम टू यू। ओके संजय त्रिवेदी फ्रॉम न्यूज 24। संजीव त्रिवेदी सर, सॉरी संजीव त्रिवेदी, दैट्स व्हाट आई मीन बाय मिस्टेक, आई सेड संजय। यस संजीव जी, अनम्यूट करिए संजीव जी। राहुल जी, संजीव त्रिवेदी बोल रहा हूँ 24 से। इसके पहले के जो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसमें आपने कुछ सजेशंस दिए थे और ऐसा लगता है जैसे कि रेड ऑरेंज ग्रीन को तय करने का अधिकार राज्यों को मिले या बॉटम अप अप्रोच, उन सजेशंस को शायद स्वीकार भी किया गया सरकार ने, लेकिन मैं आपके सामने महाराष्ट्र का केस रखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में कोई सजेशन काम नहीं आ रहा है, पूरे देश का एक तिहाई कोरोना का मामला आज की तारीख में महाराष्ट्र में है और आपकी सरकार की वहां हिस्सेदारी भी है। मुंबई में अकेले पूरे महाराष्ट्र का आधा से ज्यादा है, तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जो कंट्रोल करना है केंद्र की जिम्मेदारी है राज्यों की नहीं,
क्या आपको लगता है कि राज्यों में केंद्र का इंटरवेंशन भी जरूरी हो सकता है? वहां राष्ट्रपति शासन की मांग भी शुरू हो गई है राहुल जी। नहीं देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले अगर आप कोरोना को देखें, जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह है वहां ज्यादा अग्रेसिव कोरोना होता है। अगर आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, पुणे देखें, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया, तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव प्लेसेस वेयर कोरोना इज गोइंग टू एक्ट। आई वुड लाइक टू मेक अ डिफरेंसिएशन हियर। वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, बट वी आर नॉट द की डिसीजन मेकर इन महाराष्ट्र। वी आर द की डिसीजन मेकर इन पंजाब, वी आर द की डिसीजन मेकर इन छत्तीसगढ़, इन राजस्थान, इन पौंडीचेरी। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रनिंग अ गवर्नमेंट एंड सपोर्टिंग अ गवर्नमेंट। हाउएवर, महाराष्ट्र इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इट्स कनेक्टिविटी, एंड महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स फ्रेंकली that India has. It is the center of business. So it requires full support from the government of India. I fully understand that Maharashtra is fighting a very difficult battle, and I appreciate that fact. And so are many other states. And it is important that full support of the government of India goes to the people of Maharashtra and the government of Maharashtra. Thank you, sir. May I now request from CNN IBN Arun Singh to come in? Arun Singh? Yes. Arun ji, please go ahead. Rahul ji, मेरा सवाल ये है कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर की, सॉरी अरुण, एक सेकंड, वो लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा पीस मैं आंसर नहीं किया। ठीक है सर, सो वी जस्ट गो बैक, आई डिडंट आंसर द वन सेक्शन ऑफ दैट क्वेश्चन, आई जस्ट रिकॉल। संजीव त्रिवेदी जी प्लीज। मैंने पूछा था कि देखिए वहां राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है और केंद्र के महाराष्ट्र से पहले, महाराष्ट्र के क्वेश्चन से पहले आपने एक और सवाल पूछा था। हमने पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि केवल केंद्र की जिम्मेदारी है क्या? नहीं, आपने कहा कि मैंने सुझाव दिए थे और सुझाव उन्होंने, बॉटम अप अप्रोच के बारे में आपने बोला था, और रेड ऑरेंज ग्रीन को तय करने के क्रम में। देखिए हमारा रोल ऑपोजिशन का है। हम सुझाव देते हैं, हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारे पार्टी में डिस्कशन होता है, हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और फिर वो हम सामने लाके आपके सामने रखते हैं। हमारा कौन सा सजेशन सरकार ले वो हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है, उनका डिसीजन है। और जरूर उन्होंने हमारे दो तीन सजेशंस, जो जोन की बात थी, उन्होंने सजेशन एक्सेप्ट किया, तो वो अच्छी बात है। मगर जो हमारी क्रिटिकल सजेशंस है, मेन नंबर वन सजेशन, अर्थव्यवस्था को बचाना है, पैसा एकदम दो, वो सजेशन उन्होंने नहीं लिया, उससे थोड़ा हमें दुख हुआ है। बट वो उनका प्रेरोगेटिव है, लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। एक बात मैं आपको कह देता हूं कि अगर हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा नहीं दिया गरीबों को, न्याय योजना जैसी योजना नहीं दी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं किया, तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। ये तो मैं आपको लिख के दे दूंगा। थैंक यू सर। अरुण सिंह जी, कैन यू वेरी ब्रीफली आस्क लास्ट टू क्वेश्चन नाउ, आई एम कंक्लूडिंग द पीसी। सॉरी अरुण, no, for suddenly going. Sir, can you hear me? थोड़ा जोर से बोले राहुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोले जरा। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसको आपने अगर सुना हो तो ठीक, नहीं सुना हो तो मैं बता रहा हूँ कि आप गए थे माइग्रेंट लेबरर्स से मिलने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ड्रामेबाजी करते हैं, अगर वो सीरियस होते तो उनका कुछ बोझ उठा लेते, उनके कुछ बिलोंगिंग्स, उनके कुछ सामान, उनके कुछ बैगेज उठा लेते, उनकी मदद करते। तो अगली बार आप टैक्सी ड्राइवर से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर की सलाह आप ध्यान में रखेंगे अगली बार जब घर से बाहर निकलेंगे? नहीं देखिए,
मेरा लक्ष्य इसमें एक ही है, मैं गरीबों से बातचीत करता हूं, मजदूरों से बातचीत करता हूं, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूं। और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है। अब जहां तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूं और मेरा कोई इतराज नहीं है। मैं अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं, मगर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे। अगर दे दें मैं चला जाऊंगा, एक का नहीं 10-15 का उठा के ले जाऊंगा मैं। मगर मेरा लक्ष्य, मेन लक्ष्य जो उनके दिल में है, वो हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाने का है। मैंने जो छोटी सी फिल्म बनाई, ये मैंने इसलिए बनाई कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं, इनकी पीड़ा को समझें, इनके दुख, इनके दर्द को सुने। काफी बड़ा इंपैक्ट होता है अगर अगर व्यक्ति इस बात को सुने, क्योंकि ये लोग हमारी शक्ति हैं, ये लोग हमारे भविष्य हैं। और अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम फिर किसकी मदद करेंगे? वो फाइनेंस मिनिस्टर की व्यू है कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है, ठीक है, वो उनकी व्यू है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितने लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। मंजरी जी फ्रॉम नव भारत टाइम्स, प्लीज कम इन एंड लेट दैट बी द लास्ट क्वेश्चन। आई अपोलोजाइज टू ऑल दोस फ्रेंड्स हु आई विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट। हेलो, नमस्ते राहुल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी। राहुल जी, मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र को लेकर वहां पे जो विपक्ष है उसने ये सवाल लगातार मांग कर रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको सेना के हवाले कर दिया जाए। लगभग वैसी ही स्थिति कुछ गुजरात में है। गुजरात की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वहां कोरोना को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि वहां पे विपक्ष क्यों इतना कमजोर नजर आता है। हालांकि कांग्रेस ने वहां की हेल्थ सर्विसेज को लेके कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या इस तरह की मांग वहां नहीं होनी चाहिए? और एक इसी से जुड़ा सवाल यह है राहुल जी, हमें गुजरात के बारे में, हमें गुजरात के बारे में प्रेसिडेंट रूल मांगना चाहिए? नहीं, आप लगातार गुजरात की सरकार बीजेपी से लेके बीजेपी को पकड़ा दें? नहीं, आप लगातार क्या लॉजिक है? आप लगातार ये वहां पे सेना उतारने की बात की गई, इस तरह की चीजें लगातार आप राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो हो रही है। मेरा कहना है कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन नहीं, वहां पर आपकी इलॉजिकल बात है, मुझे बोलने दीजिए, ये तो आपकी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। जहां तक विपक्ष की बात है, गुजरात में हमारे लोग विपक्ष की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, वो आपको जब चुनाव होगा वहां पे पता लग जाएगा। मगर एक स्पिरिट से मैं कहना चाहता हूं, देखिए डेमोक्रेसी में अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो बीजेपी का काम उसको अपोज करने का है, कोई गलती नहीं है। अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है, कंस्ट्रक्टिवली सवाल उठाना चाहती है, उनको उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है, उससे हमारी सरकार उनकी बात सुनकर सीख सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उखाड़कर बिना कोई कारण प्रेसिडेंट रूल लगाना, उसमें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। अगर बीजेपी हमारी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में हमें कोई सजेशन देना चाहती है, हम उसको सुनेंगे। अगर वो वैलिड सजेशन है, हम शायद उसको एक्सेप्ट भी कर लें, तो उसके खिलाफ नहीं हूं मैं। मगर वहां से लेकर आप प्रेसिडेंट रूम में जंप मार दें, वो अलग बात है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल राहुल जी ने आज लिए और ये इंटरेक्शन का दौर जारी रहेगा।
बहुत सारे साथियों के प्रश्न आज हम नहीं ले पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार फिर नेक्स्ट इंटरेक्शन जो बहुत जल्द होगा उसमें हम वो सारे सवाल लेंगे। राहुल जी से जुड़ने के लिए शुक्रिया। कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स वो अब देंगे आपको। मेन थ्रस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ। 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए। सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। ये मेन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रस्ट था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे रणदीप जी ने कहा, ये हम पीरियोडिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे।